हेलो डियर लिसनर्स, वी आर डूइंग यूनिट 11 इंटरोगेटिव्स एंड यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव क्या होते हैं। वो क्वेश्चंस, वो सेंटेंसेस जिसमें कि हम यूज़ करते हैं स्टार्ट में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ विल टेक द वर्कशीट 1, ओके। इट्स अ क्वेश्चन गेम। वर्क विथ योर पार्टनर, इसमें बोल रहे हैं कि अपने पार्टनर साथ आपको काम करना है। वन ऑफ द स्टूडेंट बी शुड लुक अराउंड द क्लासरूम। सो जो वर्क स्टूडेंट होगा, इसको नाम दिया गया है बी, वो चारों तरफ अपने क्लासरूम में देखेगा, ठीक है। द अदर स्टूडेंट ए शुड आस्क क्वेश्चन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। और दूसरा स्टूडेंट होगा जिसको ए नेम दिया गया है, वो क्या है, क्वेश्चन आस्क करेगा किसके, कैसे, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासरूम में, जो एक्टिविटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल इन्होंने हमारे नीचे कर रखा है। एज यू आस्क द क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, कीप नोटिंग डैम डाउन, और उसे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये ने क्वेश्चन पूछ किया है, व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, स्टूडेंट बी ने आंसर किया क्लास को पूरा ऑब्जर्व करके। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन में क्या यूज़ किया गया है, व्हाट का यूज़ किया गया है, और लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे वो इंटरोगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, व्हाट इज द टीचर डूइंग, ठीक है। तो बी ने आंसर किया, शी इज टीचिंग इंग्लिश। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस से भी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं आप, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, इमेजिन करना है कि क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो वी आर एट होम, हम घर पर हैं, तो आपको यहाँ पर इमेजिन करके ही करना होगा। जिन चीज़ दिए गए हैं क्वेश्चन, यू विल डू इट बाई योर सेल्फ, आप खुद ही फ्रेम करेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। दिस वर्क यू विल डू इट बाय सेल्फ, होप यू अंडरस्टैंड। आप कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसको आंसर भी करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 92, वर्कशीट 2। इट्स अ क्विज बैग, ठीक है। नाउ रीड द आंसर गिवन बिलो, यहाँ पे नीचे जो है आंसर दिए गए हैं उनको पढ़ना है। इमेजिन यू आर अ क्विज मास्टर, और आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, क्विज मास्टर, मैंने मीन्स क्विज लेने वाले। मेक क्वेश्चंस फॉर द गिवन आंसर यूजिंग क्लूज गिवन इन द पिक्चर। अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, और कैसे बनाने हैं, जैसे कि हम पिक्चर्स दी गई हैं वहाँ से क्लू लेकर आप यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आंसर देखेंगे कि क्या दिया है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जांपल, जो फर्स्ट है उन्होंने एग्जांपल के तौर पर हमें करके दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, दिस आई हैव डन फॉर यू, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और आप जो है उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्होंने पहले बोला कि आंसर से हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। एट आगरा इन इंडिया, तो क्या क्वेश्चन बना, वेयर इज द ताजमहल, तो आंसर अपना पता लग जाएगा, एट आगरा इन इंडिया। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैंगरू, तो क्वेश्चन क्या बना है, विच इज द नेशनल एनिमल
ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन क्वेश्चन मार्क ओके कैंगरू नेक्स्ट इज आंसर है बीजिंग क्वेश्चन क्या बन रहा है विच इज द कैपिटल CAPITAL कैपिटल ऑफ चाइना विच इज द कैपिटल ऑफ चाइना क्वेश्चन मार्क आंसर आ जाएगा हमारे पास बीजिंग नेक्स्ट है आंसर हीथ्रो क्वेश्चन है हमारे पास क्या बन रहा है विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड WORLD देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप इसके पीछे नीचे लगा दिया थोड़ा कंजेस्टेड था विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड तो हेट्रो आंसर है अल्फ्रेड नोबल क्वेश्चन है आफ्टर हुम इज नोबल प्राइज नेम्ड आंसर क्या हो गया है अल्फ्रेड नोबल आफ्टर हुम इज नोबल प्राइज नेम्ड नेक्स्ट वन इज 11 प्लेयर्स इन ईच टीम क्वेश्चन क्या है हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम आंसर होगा 11 प्लेयर्स इन ईच टीम नेक्स्ट इट टेटनस टॉक्साइट टीटी व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन अंगेस्ट टेटनस व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन अंगेस्ट टेटनस इट्स टेटनस टॉक्साइट नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 18 क्वेश्चन इज व्हेन कैन यू वोट When can you vote? Next is Bharatanatyam.
क्वेश्चन बनेगा विच इज द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, विच इज द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट इज जुपिटर, आंसर है जुपिटर में क्वेश्चन बन रहा है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन एक्सरसाइज टू. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.